आदमी पर 300 रुपया, वो भीड़ उनकी रुपया का भीड़ है और यहाँ की जो भीड़ है ये मोहब्बत का भीड़ है। या अल्लाह या मेरे परवरदिगार, हमारी इज्जत और आबरू इनके साथ जुड़ा हुआ। दो टर्म का एमपी रहा, उनसे मैंने सुना था कि बेटा कभी भीड़ से अंदाज वोट का मत लगा। आज कांग्रेसियों का भीड़, हमारे नगर की नेत्री बिंदु देवी जी बैठी हुई, अभी ये डिस्कस कर रहे थे, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात कहना चाहूंगा, सारे एमपी 5 साल का जिन्होंने सिर्फ लोगों को सुझावरे लोगों को गुमराह किया, एक एबीयू का बैनर लगा के फंड का ऐसे दिखा के सिर्फ फोटो किया, एमपी को फोन किया, उन्होंने जवाब दिया मैं तो खुद क्वारंटाइन हो गया, मैं खुद होम क्वारंटाइन हो गया। वहां साहब हम लोग भी रो दिए थे, उन्होंने रो रो के कहा था कि मेरे वाली साहब इंतकाल कर गए थे, उतना मैंने रोया था जब मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने आप को मैंने अकेले पाया था। पूछिए उस एमपी से, आपने वोट दिया था, आपको पूछने का हक है, जब आपके क्षेत्र में जाएंगे पूछिएगा कि पूरे दुनिया में अल्लाह ताला ने एक बीमारी दिया था। बीजेपी का कैंडिडेट है दोस्तों, सबके हाथ में इंडोर मोबाइल है, सब लोग जाते हैं देखते हैं, उन्होंने 5 साल में किशनगंज के पार्लियामेंट लेके सुलझापड़ी लोगों को धोखा दिया है, इसलिए उसको धोखा देते हुए दर्जा देंगे, जिसमें सिर्फ भारत के मुसलमान दोस्तों किशनगंज के लोगों को नहीं देखेंगे बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का नजर सीमांचल के प्रति किशनगंज। देखिए ये वक्त तकरीर करने का नहीं है, किशनगंज पार्लियामेंट्री हलका से हमारे इज्जत मार जनाब अख्तरुल ईमान साहब का आज नॉमिनेशन का दिन है, हम सभी लोग रोजेदार हैं, आज की इफ्तारी में ये बतौर खास दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह या मेरे परवरदिगार, हमारी इज्जत और आबरू इनके साथ जुड़ा हुआ है, ये दुआ होनी चाहिए। और मैं यकीनन कहना चाहता हूं इसी धरती के बुजुर्ग, दो टर्म का एमपी रहा, उनसे मैंने सुना था कि बेटा कभी भीड़ से अंदाज वोट का मत लगाना, भीड़ से अंदाज वोट नहीं लगाना। और मेरा एमएलए हमारे अख्तरुल ईमान साहब किसी को दावत नहीं दिए थे, सब लोग हम लोग ये मोहब्बत के भीड़ में आए हैं। आज कांग्रेसियों का भीड़, हमारे नगर की नेत्री बिंदु देवी जी बैठी हुई, अभी ये डिस्कस कर रहे थे, एक आदमी पर 300 रुपया, वो भीड़ उनकी रुपया का भीड़ है और यहाँ की जो भीड़ है ये मोहब्बत का भीड़ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी बात कहना चाहेंगे मेरे भाई, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, बी टीम वो है या बी टीम हम लोग हैं ये जनता फैसला कर लेगा इंशाअल्लाह। लोकसभा क्षेत्र में सर भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूं, और एक नकारे एमपी 5 साल का जिन्होंने सिर्फ लोगों को सुझावरे लोगों को गुमराह किया, एक एबीयू का बैनर लगा के फंड का ऐसे दिखा के सिर्फ फोटो की जो है काकी भी किया। पूछिए उस एमपी से, आपने वोट दिया था, आपको पूछने का हक है, जब आपके क्षेत्र में जाएंगे पूछिएगा कि पूरे दुनिया में अल्लाह ताला ने एक बीमारी दिया था, जब कोरोना थे पूरे दुनिया थम गई थी, हमारे किसान का बच्चा चाहे वो बच्चे हरियाणा पंजाब दिल्ली के सड़कों में काम कर रहे थे, खाने का मोहताजी का आलम था, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में अल्लाह के नाम किसी ने पुकारा था, उस वक्त भी लोग एमपी को फोन किया, उन्होंने जवाब दिया मैं तो खुद क्वारंटाइन हो गया, मैं खुद होम क्वारंटाइन हो गया। वाह साहब आप किसी ने लोगों को पूछे नहीं आए, मेरे बच्चे हरियाणा पंजाब दिल्ली के सड़कों में आपके पुकारा, आप किसी को मदद नहीं किए। 2020 में भी होम क्वारंटाइन, 2021 में भी होम क्वारंटाइन, जब लोग उसको फोन कर रहे थे सर को ले दीजिएगा, जब लोग फोन कर रहे थे उनका कॉल ड्राइवर सुभाष पल्ली चौक में रहता था, उनको जब भी फोन कीजिए मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कॉल ड्राइवर सुभाष पल्ली चौक किशनगंज में हुआ करता था, जब फोन करते थे आवाज बदल के बात करते थे कि बोले क्या बात है सर होम क्वारंटाइन है, वो आवाज किशनगंज के एक बच्चे का था जो उनके पार्टी में रहते हैं। मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ उन्होंने 5 साल में किशनगंज के पार्लियामेंट लेके सुलझापड़ी लोगों को धोखा दिया है, इसलिए उसको धोखा देके बाहर कर दीजिए, बाहर कर दीजिए।
दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट है। दोस्तों सबके हाथ में इंडोर मोबाइल है, सब लोग यूट्यूब में देखते हैं। मैं इस सीमांचल की धरती, किशनगंज की धरती से एक बात को याद करना चाहता हूं। जब मैंने वो तकरीर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब का सुना था, हम सभी लोग जिनके दर्द में ईमान है, जिनके दिल में कुरान है, जिनके दिल में अल्लाह रसूल का खौफ है, हम लोग भी रो दिए थे। उन्होंने रो रो के कहा था कि मेरे वाली साहब इंतकाल कर गए थे, उतना मैंने रोया था जब मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने आप को मैंने अकेले पाया था। इसलिए मैं ये अहवान करना चाहता हूँ सीमांचल की धरती से, अगर वह शेर हिंदुस्तान कोई बैरिस्टर सुधीर है तो शेर बिहार अख्तरुल ईमान साहब है, उनको पार्लियामेंट भेजने की जरूरत है और उनको पार्लियामेंट भेजेंगे इंशाल्लाह। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये हमारे जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, शब्द का पहचान दिए हैं कि हम लोगों को मत उभारिए भीड़ दिखा करके। हम कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे, हम लोग वोट का रेशियो इंशाल्लाह हम लोग रेशियो देकर के 1,00,000-2,00,000 से रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जिस दिन हमारा काउंटिंग होगा हम सबसे अव्वल का दर्जा देंगे, जिसमें सिर्फ भारत के मुसलमान दोस्तों किशन के लोगों को नहीं देखेंगे बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का नजर सीमांचल की धरती किशनगंज में होगा। ये अमानत दीजिए और हाथ उठा करके आहत दीजिए कि हम अख्तरुल ईमान साहब के साथ जिस तरह रोजे के दिन में चलते हैं, ऐसे नहीं खा पी करके क्या हम सब के साथ हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज्यादा नहीं सब वक्त दूंगा। दोस्तों वोटिंग में एक चीज का ख्याल रखिएगा, वोट के दिन सिंगमाड़ी होता है, जो भी हजरात